इस सिलेंडर में हाइड्रोजन, और आप सब लोग जानते हो कि हाइड्रोजन फिल्ड बलून जो होते हैं वो ऊपर जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन हल्की होती है हवा से, और हाइड्रोजन सबसे पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल पता है ना, केमिस्ट्री में होती है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ईंधन, ऐसे होती है ना पूरी सीक्वेंस होती है। तो कुछ एलिमेंट तो याद होते हैं, मुझे भी बहुत सारे याद है, बट पूरी पीरियोडिक टेबल याद करना बहुत मुश्किल होता है, तो थोड़े बहुत 18-20 तक कर लो, वो काम आते हैं। खैर छोड़ो पीरियोडिक टेबल, हम क्या करने वाले हैं, इस बैग को क्यों ले गया हूं, इस बैग में बलून्स, गुब्बारे, कैसे, अब ये देखो यहाँ पे ये बड़े हैं, ये होली वाले गुब्बारे जो होते हैं ना, कैसे इसको भी ट्राई करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसे पाइप होता है तो टंकी में लगाते हैं, भरता रहता है, और इधर से गुब्बारे पूरे भरने के बाद हट जाते हैं। तो क्या हाइड्रोजन पे ये काम करेगी, तो इसको भी ट्राई करेंगे। अगर ऐसा हुआ है कि भरने के बाद जाने लगे तो अपने आप बंद होते रहेंगे और ऊपर जाते रहेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। और इधर क्या है हमारे पास, ये कलर स्मोक, ये होली का कलर स्मोक मेरे पास बचा हुआ है। तो बाद में क्या करने वाले, एक बड़ा गुब्बारा फुलाएंगे, उसमें धागा बांधेंगे, हाइड्रोजन फिल्ड बलून है तो ऊपर जाएगा, और उस धागे में बांधेंगे कलर स्मोक। गुब्बारे के साथ साथ कलर स्मोक जब ऊपर जाएगा तो बहुत प्यारा लगना चाहिए, ये चीज चेक करेंगे। और क्या था हमारे पास भाई, ये नॉर्मल गुब्बारे, एक ये वाले हो गए जो नॉर्मल साइज के होते हैं, एक ये हो गए और ये बड़े वाले। तो इन सब की टेस्टिंग करेंगे कि छोटा गुब्बारा ज्यादा ऊपर जाता है, बड़े वाला जाता है, और इसमें जब हाइड्रोजन फिल करेंगे तो क्या होगा, तो ये सब ट्राई करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस वाले से जो नॉर्मल साइज के गुब्बारे आते हैं। तो छोटा गुब्बारा है, देखते हैं कितने ऊपर तक ये जाता है, दिखाई देगा भी या नहीं, गायब हो जाएगा। तो अब उठाते हैं इस वाले को जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे गुब्बारे हैं। इस वाले की मतलब बड़ा सही से लग रहा है मुझे कि इसमें अगर गए ना तो मजा आ जाना है, तो इसके लिए बहुत छोटे छोटे यहाँ पे छेद है। अब इसमें मैं प्रेशर तेज करूंगा और तब इसको यहाँ पे लगाऊंगा, तो प्रेशर तेज, काम तो करेगा, थोड़ा तरीके से करना पड़ेगा। आओ जितेश, तो अब देखते हैं इस वाले को, जितेश वही करना, ठीक, प्रेशर बढ़ा देते हैं। दूसरा, तो जैसा सोचा था ना कि सारे जाएंगे, मुझे पहले तो डाउट लग रहा था कि जाएंगे भी नहीं जाएंगे, बट काफी हद तक चले गए हैं, कुछ बच गए, क्योंकि यहाँ पे जगह है बहुत ज्यादा और यहाँ का जो वॉल्व है वो है छोटा सा, तो एक ही पॉइंट पे प्रेशर आ रहा था, बाकी सब जगह नहीं आ रहा था। तो अब इसको हटाते हैं। अब ये वाला बलून देख लिया, ये देख लिया, अब देखो ये दो बलून दिख रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है, ये छोटा है, ये सबसे बड़ा, तो दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, देखने में लग रहा हो, तो पहले इस वाले को देखते हैं, फिर आएंगे सबसे बड़े पे। तो ये भी काफी बड़ा है वैसे, एक ये नन्ना भी है, इस नन्ने को देखो, रुक जाओ, खोलिए थोड़ा सा, बहुत टाइट हो गया। तो ये वाला बलून देखो, ये सबसे बड़ा नहीं है, सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक और आएगा,
लास्ट में जो सबसे बड़ा बलून है, अब इसको मैं छोड़ रहा हूँ, देखते हैं क्या स्पीड से ऊपर जाता है। तो अब उसके बाद वो तो चला गया बहुत ऊपर, अब उसके बाद उठाते हैं सबसे बड़ा जो बलून है, मुर्गा पार्टी बलून, ये वाला, ये सबसे बड़ा बलून है हमारे पास। इससे बड़ा बलून मैंने गुब्बारा नहीं देखा, किसी दुकान पे बहुत घूम लिए बट इससे बड़ा नहीं मिला। आपको जो मिलेगा ना वो जंबो मिलेगा। जंबो कौन सा होता है? ये वाला का इस पर जंबो किंग, ये वाला जंबो किस नाम से आता है, जंबो साइज है, सबसे बड़ा ये, पर जंबो से भी बड़ा आता है ये मुर्गा वाला, लिखा इस पर भी जंबो है बट उस वाले से सबसे बड़ा ये मिला है। इससे बड़ा कहीं बलून मिल रहा ना तो भाई मुझे जरूर बताना, मैं वहां से मंगाऊंगा उसको। तो अब इस वाले को देखना ये कितना बड़ा फूलता है। तो अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा ना, देखो कितना बड़ा बलून है। उससे तो बहुत बड़ा हो चुका है ये, अभी और जा सकता था क्योंकि यहाँ पे लूज है बट कान पे ना फट जाए इसलिए इसको इतना ही लेके चलते हैं। अब इस वाले को देखना, बहुत तगड़ा पुल दे रहा, देख कितनी पकड़ के दे रहा ना, क्या छोड़। तो ऊपर जा चुका है, अब हमें पता चल गया ये जो बड़े वाले गुब्बारे हैं, ये मुर्गा वाला जो है ना, ये बहुत ऊपर जाता है, ये हमको पता चल गया। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं कि जो और मजा है, इसमें अटैच करेंगे कलर स्मोक। अब ये हाइड्रोजन से भरा है, कलर स्मोक बिल्कुल इसी पॉइंट पे लगा दो तो हल्की सी स्पार्क से पूरा का पूरा बलून जल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा उड़ाएंगे, धागा बांधेंगे, काफी अच्छा खासा गैप रखेंगे, फिर कलर स्मोक लगाएंगे, तब उसको ऊपर भेजेंगे। तो इसको फिल करते हैं पहले। तो सबसे बड़े बलून को फिल करना करते हैं शुरू। चल कोई नहीं, दूसरा दे देते हैं। तो सेफ्टी के लिए हमने इधर रील बांध दी है कि इसको ऊपर भेजेंगे, कलर स्मोक जितना जाएगा फिर उसको वापस भी बुला लेंगे कि इधर उधर ना गिर जाए। तो हाइड्रोजन से दूर चले जाते हैं पहले, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब ये कंट्रोल से बाहर ना चला जाए, इसके लिए रील मैंने उंगली में फंसा ली है, ये कहीं नहीं जाएगी बल्कि मुझे बहुत दिक्कत होने वाली है बाद में निकालने में। और कलर स्मोक यहाँ पे है, कलर स्मोक का जैसे ही धुआं निकलना शुरू होगा कलर, तब हम इसको छोड़ देंगे और बलून गोरा पीछे। तो बस कलर स्मोक